आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीने के कोफ्ते, जिसके लिए हमने 3 ब्रेड ली है और अभी हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये लीजिए, हमने सारी ब्रेड तोड़ ली और अभी हम इनको और बारीक करेंगे। ये लीजिए, बिल्कुल बारीक कर ली। अभी हम इसके अंदर 5 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। अभी एक बाउल, एक कटोरी हम पुदीने के पत्ते डालेंगे। साबुती पुदीना लिया है हमने। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अभी हम इनको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिलाएं। अभी हम इसके अंदर एक कटोरी चटनी ऐड करेंगे, जो हमने पुदीने के पत्तों, 4 हरे प्याज, 1 टमाटर, 3 हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियां और नमक डालकर बनाई है। इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके बैटर तैयार करेंगे। ये लीजिए, हमारा बैटर बनकर तैयार है और अभी हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। ये लीजिए, हमारे कोफ्ते भी बनकर तैयार हैं। अभी हम इनकी ग्रेवी तैयार करेंगे। पहले हम इनको फ्राई कर लेते हैं, ग्रेवी हम बाद में बनाएंगे। हमने कोफ्ते छोटे छोटे बनाए हैं, आप जो भी साइज पसंद करते हो बनाएं। अभी हम इनको पलट लेते हैं ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए। आप धीमी आंच पर पकाएं इनको और ऐसे अलट पलट के पका लें। अभी ये सारे कोफ्ते हमारे तैयार हैं बनकर, हमने पका लिए अच्छे तरीके से। अभी हम इनकी ग्रेवी तैयार करते हैं। ज़्यादा तेल था वो निकाल दिया, 2 चम्मच ऑयल रखा है उसमें 1 तेज़पत्ता डाल दिया। अभी 1 प्याज, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची डालेंगे और फ्राई करेंगे। और इनको अच्छे से फ्राई करें। और अभी हम इसके अंदर 2 हरे प्याज और 5-6 लहसुन की कलियां ऐड करेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तब इनके अंदर लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो मिर्च अपने हिसाब से ले सकते हो। अच्छे तरीके से इनको मिलाएं। अभी हम हल्दी ऐड नहीं करेंगे इसमें, 1 टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर, 1 कटोरी चटनी ऐड करेंगे हम इसके अंदर, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। और चटनी को अच्छी तरीके से पका लें। फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके ढककर इसको कुछ देर पकाएंगे। और इसको बार बार आप चेक करते रहें। अभी 1 गिलास पानी और ऐड करेंगे और थोड़ी सी चलाएंगे इसको। और अभी इसके अंदर हम कोफ्ते ऐड करेंगे। एक एक करके हम कोफ्ते ऐड कर देंगे इसके अंदर। और ढककर पकाएंगे। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, कुछ देर ढककर पकाएंगे। ये लीजिए, तैयार है। अभी इसको तड़का लगाएंगे हम। हमने आधा चम्मच जीरा,
आधा चम्मच हल्दी और कुछ चटनी से तड़का बना लिया, और ये इसके अंदर मिक्स कर देंगे हमारे कोफ्तों के अंदर, और ये तड़के वाले पुदीना कोफ्ते बनकर बिल्कुल तैयार हैं। और हरे पुदीना की पत्तियों से हम गार्निश कर देंगे इसको, और ये बहुत ही लाजवाब बनते हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें।